सो फाइनली गाइज आज की वीडियो में इसलिए बात करने वाला हूँ वीवो आई 100 5G मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा आप इसमें रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को कैसे शो करा सकते हैं। जैसे तो आप इस मोबाइल में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को शो करना तब तो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड मतलब होता है कि आपने आप जो नेट चलाते हैं उसका स्पीड कितना है तो यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो उसको शो कराने के लिए हमें अपने मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। तो मैं देता हूँ मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में आएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर स्टेटस बार, तो स्टेटस बार का आपका ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से बैक करके सर्च भी कर सकते हैं स्टेटस बार। तो हम यहाँ से स्टेटस बार पर क्लिक कर देते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा नोटिफिकेशन मेथड मिलेगा, यहाँ पर नीचे मिलता है डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल में अभी कोई भी यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड नहीं सो रहा है, लेकिन मैं जिस चीज़ को ऑन कर लूँगा एंड मैं अपना डाटा ऑन कर लूँगा यहाँ से वो शो होने लगेगा। मैंने देख सकते हैं डाटा ऑन किया, इसको ऑन कर लेता हूं। यहां पर जैसे मैंने इसको ऐसे जैसे ही ऑन किया यहां पर 0 kbps में सोने लगेगा होने लगा है। लेकिन आप जैसे किसी भी YouTube में या कुछ भी देखते वगैरह हैं तो यहां पर जो इसका नेटवर्क स्पीड रहेगा वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तो YouTube में जाकर कोई भी चीज डाउनलोड कीजिएगा या अपलोड कीजिएगा तो यहां पर नेटवर्क स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।